शहर में मर्डर होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खरबी के अंतर्गत आने वाले शेषनगर में ऑटो चालक अल्ताफ अशफाक शेख की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आरोपी को नंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। पिछले कुछ महीने से नागपुर में हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पाचपावली में हुई हत्या की घटना अभी ताजा ही थी कि फिर से एक बार खरबी के शेषनगर में रहने वाले ऑटो चालक आफताब अशफाक शेख उम्र 28 की किसी धारदार हथियार से 24 वर्षीय आरोपी ने हत्या कर दी। हत्या की खबर चलते ही परिसर में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। घटनास्थल पर नंदनवन पुलिस आगे की कार्रवाई करने नजर आई। नंदनवन पुलिस ने हमारे संवाददाता को जानकारी दी जहां पर ये मर्डर हुआ ये वही मंजिल है। बाद में मृतक के बाजू के घर में से पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी एम्बुलेंस में रवाना की गई। लगातार हो रहे हत्याओं से शहर में खलबली मच गई है। इस घटना के बारे में नंदनवन पुलिस निरीक्षक सानीपनी पवार ने जानकारी दी। ये शेषनगर हसनबाग एरिया है। या ठिकाणी अल्ताफ अशफाक शेख म्हणून वय अंदाजे 28 वर्ष याचे मयत अवस्थेत असल्याचं आम्हाला 4 वाजण्या सुमारास माहिती मिळालेली आहे आणि त्यानुसार आम्ही इथे आलेले आहेत। तर इथे त्याची बॉडी मिळून आलेली आहे। काहीतरी धारदार शस्त्राने केलेले आहेत त्यामुळे अजून बाकीचा तपास चालू आहे। अजून त्याबद्दलची माहिती घेतो आहोत आम्ही। आता त्याबद्दलचं आम्ही चौकशी करतोय आणि बहुतेक ती चौकशीमध्येच निष्पन्न होईल काय आहे नेमकं तो प्रकार। कळमनाल राहणारा आहे तो चेक करतोय आम्ही। नागपूर में हत्या की घटना लगातार हो रही है। इसी क्रम में आज शेषनगर में जो कि खरबी के अंतर्गत आने वाले शेषनगर में भी एक अल्ताफ नाम के युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। आरोपी फरार है और इस दिशा में नंदनवन पुलिस आगे की जांच कर रही है। शेषनगर से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।